सब्सक्राइब कीजिए नंदाश्रम हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सोलर एनर्जी कलेक्टर के बारे में। दोस्तों यहाँ का आज का अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोलर एनर्जी कलेक्टर, जिसके अंदर हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं सोलर एनर्जी टाइप्स ऑफ सोलर एनर्जी कलेक्टर चार्ट के बारे में। हम ऑलरेडी इसके पहले के वीडियो में डिटेल्स में जानकारी ले चुके हैं। दोस्तों आज का अपना ये टॉपिक टाइप्स ऑफ सोलर एनर्जी कलेक्टर, इसके अंदर मेन दो पार्ट पड़ते, उसके बारे में ही डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है अपना, देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सोलर एनर्जी कलेक्टर। तो यहाँ पे मेन दो पार्ट है सोलर एनर्जी कलेक्टर के, जिसके अंदर हम बात करें तो यहाँ पे फ्लैट प्लेट टाइप और नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप, और दूसरा है यहाँ पे फोकसिंग टाइप और कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप। दोस्तों यहाँ पे ये दो प्रकार के यहाँ पे सोलर एनर्जी कलेक्टर के टाइप्स है। अब आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो फ्लैट प्लेट टाइप और नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप हैज द सेम एरिया ऑफ कलेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन एंड सेम एरिया ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्प्शन। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो फ्लैट प्लेट टाइप या नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर है, उसके अंदर यहाँ पे जो सोलर रेडिएशन कलेक्ट करते हैं उसका एरिया और जो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है यानी कि शोषण करता है, उन दोनों का एरिया एक जैसा सेम ही है। अब आगे बात करें यहाँ पे, तो नो हाई टेम्परेचर कैन बी ऑब्टेन इन दिस। यानी कि दोस्तों यहाँ पे फ्लैट प्लेट कलेक्टर के अंदर यहाँ पे हाई टेम्परेचर यानी कि ज्यादा टेम्परेचर हमें यहाँ पे मिल नहीं पाता है दोस्तों। अब आगे बात करें, सो नॉट यूजफुल फॉर स्टीम जनरेशन प्लस एफिशिएंसी इज लो। यानी कि दोस्तों इसको यहाँ पे इस वजह से ज्यादा टेम्परेचर नहीं मिलता है, इस वजह से हम यहाँ पे इसको स्टीम जनरेशन करने में उपयोग में नहीं ले सकते और इसकी एफिशिएंसी है वो बहुत ही लो है दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे, देयर आर रेडिएशन कलेक्शन इज मच लार्जर देन द एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ रेडिएशन इन अ फोकसिंग टाइप और कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो फोकसिंग टाइप या फिर कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर है, उसके अंदर यहाँ पे जो रेडिएशन कलेक्ट करने का एरिया है वो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन एरिया से बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। यानी कि दोस्तों यहाँ पे फोकसिंग टाइप का कलेक्टर है, उसके अंदर यहाँ पे रेडिएशन एब्जॉर्प्शन का एरिया यहाँ पे रेडिएशन कलेक्ट करने का एरिया से बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। अब आगे बात करें यहाँ पे, तो इट यूज अ वेराइटी ऑफ लेंस एंड मिरर डिजाइन्स। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो इस ये प्रकार के टाइप के कलेक्टर है, उसके अंदर लेंस और मिरर की अलग अलग प्रकार की रचना करके इसको बनाया जाता है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं, दिस अलो वेरी हाई टेम्परेचर कैन टू बी अचीव्ड विच कैन बी प्रोड्यूस मीडियम प्रेशर स्टीम। यानी कि दोस्तों इस प्रकार के जो कलेक्टर होते हैं उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा मिलता है और यहाँ पे स्टीम है वो मीडियम प्रकार में यहाँ पे हम इसको जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। द एफिशिएंसी ऑफ सच कलेक्टर इज हायर देन दैट फ्लैट प्लेट कनेक्टर। यानी कि दोस्तों इस यहाँ पे फोकसिंग टाइप कलेक्टर की एफिशिएंसी फ्लैट प्लेट कलेक्टर से ज्यादा होती है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल नंदाश्रम हार्दिक को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। सेम टू सेम यही वीडियो आपको गुजराती लैंग्वेज में थोड़ी देर में अपडेट होकर मिल जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वो गुजराती लैंग्वेज में अपडेट होगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपका खूब खूब धन्यवाद दोस्तों।